नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बात सबसे पहले आज निकाय चुनावों की करेंगे, जिसे लेकर हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने आज औपचारिक ऐलान कर दिया है। 19 जून को निकाय चुनावों के लिए वोटिंग होनी है, 22 जून को नतीजे आएंगे और 46 निकायों में चुनाव का ये ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। इसके लिए नामांकन पत्र 30 मई से भरे जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव का आज शेड्यूल जारी किया है। लंबे इंतजार के बाद आज ये घोषणा हुई है। इस बारे में राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आज से ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य में नगर परिषद और नगर पालिका प्रधान पद के चुनाव सीधे होंगे। लगभग सभी दलों ने पार्टी चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर रखा है। हरियाणा में कुल 93 शहरी निकाय हैं। चुनाव आयोग ने हालांकि अभी 46 निकायों में ही चुनाव की घोषणा की है। प्रदेश में कुछ शहरी निकायों का कार्यकाल बीते साल जून महीने में खत्म हो गया था, लेकिन कोविड की वजह से यहां पर चुनाव नहीं हो पाए थे, जिसके बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनावों की तारीखों का आज ऐलान किया है। तो 28 नगर पालिकाओं और 18 नगर परिषदों यानी कुल 46 निकायों के लिए ये चुनाव होने हैं। 19 जून को इसके लिए वोटिंग होगी और 22 जून को नतीजों के लिए मतगणना करवाई जाएगी। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने ये तमाम जानकारी दी है। निकाय चुनावों को लेकर हरियाणा में आखिरकार औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। नगर पालिकाओं और 18 नगर परिषदों के लिए चुनाव आयोग ने आज चुनाव का ऐलान किया है। 19 जून को इन चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और चुनाव की तारीख घोषित होते ही चुनाव आचार संहिता भी लगा दी गई है। 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। मतदान के बाद नतीजों के लिए 22 जून को मतगणना होगी। चुनावों के लिए नामांकन 30 मई से 5 जून तक दाखिल किए जाएंगे। जिन 18 नगर परिषदों में चुनाव होने हैं, उनमें गोहाना, होडल, पलवल, सोहना, मंडी डबवाली, चरखीदादरी, झज्जर, जींद, कैथल, हांसी, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, नूह, कालका, नारनौल, फतेहाबाद और भिवानी शामिल हैं। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी 6 तारीख को 11:30 से 3 बजे तक। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा 7/6 को 11 से 3 तक, और उसी दिन फिर 3 बजे जब फाइनल लिस्ट हो जाएगी, किसी ने अगर विड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद जो बचे इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए जाएंगे। हरियाणा में इन चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण लागू किया गया है। महिलाओं और एससी के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता और अन्य उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को शपथ पत्र में आपराधिक मामलों का भी ब्यौरा देना होगा। मामलों की वर्तमान स्थिति बताना भी जरूरी होगा। उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा भी बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चुनाव आयुक्त ने बैठक कर आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। तमाम सियासी दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे पहले से करते आ रहे हैं और ऐसे में इस चुनाव के नतीजे तमाम पार्टियों को अपनी राजनीतिक जमीन की हकीकत से भी काफी हद तक रूबरू करवाएंगे। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।